लखनऊ में वकील की हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ कि प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वकील की हत्या से सनसनी प्रयागराज में है। बदमाशों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील की हत्या की है। सनाउल्लाह की धारदार हथियार से वार करके हत्या की गई। सिर और गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया गया। पुलिस जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। खुल्दाबाद थाना इलाके के रोशनबाग इलाके की यह घटना। सिर और गर्दन पर धारदार हथियार से हमला वकील पर हुआ। पुलिस जल्द हत्यारोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। खुल्दाबाद थाना इलाके के रोशनबाग इलाके की घटना। प्रयागराज से खबर, वकील की हत्या से इलाके में सनसनी। बदमाशों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील की हत्या की। सनाउल्लाह की धारदार हथियार से वार करके हत्या। सिर और गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया गया। पुलिस जल्द हत्यारोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन आज की खबर अभी पूरी तरीके से गिरफ्तारी नहीं हो पाई। लखनऊ वाले मामले में लखनऊ में एक वकील की हत्या कर दी गई थी। एक आरोपी गिरफ्तार, चार फरार। चार को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। लेकिन प्रयागराज से आई खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील की हत्या प्रयागराज में हुई है। वो हम लोग कर रहे हैं, जो भी तहरीर मिली है उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और जिन लोगों पर शक जाहिर किया गया उनको हिरासत पर लिया गया है। पहले जो घटनाएं हुई हैं और इसमें जो है उसमें भी हम लोग जो सभी एंगल्स पे इसकी जांच कर रहे हैं। तो बदमाशों के हौसले क्या उत्तर प्रदेश पे बुलंद हैं? जिस तरह से विपक्ष वार करता है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा करता है, उस पर क्या कहेंगे? सोएब रिजवी जुड़ रहा है हमारे साथ, हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। सोएब बताइए, किस तरीके से बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? निश्चित तौर पर पुलिस इन तमाम पहलुओं पर अब जांच कर रही है। हालांकि जो अभी पूरा मामला है वो बड़ा ही रहस्यमय तरीके से है। जिस तरह से वकील की हत्या हुई है वो उस वक्त घर में अकेले बताए जा रहे हैं। उनकी पत्नी बाहर थी और जब वो वापस आई तो वो वहां पे मृत पाए गए और उनका काफी खून बहा हुआ था। तमाम चीजों की पुलिस अब जांच कर रही है। अंदर से दरवाजा भी बंद था। तो ये तमाम पहलू हैं जो पुलिस के लिए अबूझ बनी हुई है। पुलिस इन्हीं बिंदुओं पर अब जांच कर रही है। परिवार के लोगों से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो आम लोगों की चर्चा है उसमें उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि बहुत मिलनसार व्यक्ति थे, लेकिन कैसे कोई उनके घर में पहुंचा और इस तरह से कैसे घटना को अंजाम दिया गया, ये सवाल जरूर उठते हैं। घर के लोगों से भी बात की जा रही है। हालांकि जो उनकी पत्नी है वो शिक्षिका है और वो बाहर थी, जब वो वापस पहुंची है तो उन्होंने ये सारी चीजें देखी, उसके बाद पुलिस को सूचना दी। तो ये जरूर है कि जिस तरह से हत्या की गई उसमें कुछ ना कुछ ऐसे तार जरूर नजर आ रहे हैं जो आपस के लोगों से जुड़े होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी इस बारे में बहुत साफ तौर पर कुछ कह नहीं पा रही है। हालांकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है और परिवार की तरफ से जो इशारे किए जाएंगे या किसी को आरोपी बनाया जाता है या किसी को नामजद किया जाता है उन बिंदुओं पर जांच करेगी। हालांकि मौके पर आला अधिकारी खुद पहुंचे थे, एसएसपी ने खुद ने पूरे मौके का काफी देर तक मुआयना किया। थोड़ा सा वकील के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील किस डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस वो किया करते थे? आखिर पुरानी रंजिश या कोई इस तरह का शक पुलिस को? पुलिस यही बिंदुओं की जरूरत है, कोशिश कर रही है कि जो जिस तरह के केसेस वो देखते थे, क्या केस से जुड़ा मामला हो सकता है या जमीन से जुड़ा कोई मामला, प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला, ये जानने की कोशिश पुलिस जरूर कर रही है। लेकिन अभी जो परिवार की तरफ से सीधे तौर पर कोई इस तरह की चीजें बातें सामने निकल कर नहीं आ रही, इसलिए पुलिस अभी बहुत साफ कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। और भी कई एंगल हैं जिसे पुलिस अभी शेयर नहीं कर रही है। पारिवारिक चलिए सोएब आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास फिर आएंगे हम अपडेट के लिए।